टॉप रैपर्स ने कौन सी कार्स रखी हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप भी जानना चाहते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दिस इज मी एलिजा मलिक हियर। दिस इज मी नया मलिक हियर। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि हमें रैपर्स की टॉप एक्सपेंसिव कार्स के बारे में पता चलेगा। तो बिना किसी डिले के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एमसी स्टैन फर्स्ट पे डिस्कस किया है। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 5 फेमस रैपर के कार कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको इन सभी रैपर्स की नेटवर्क के बारे में भी बताऊंगा, और ये लोग एक महीने का कितना करोड़ रुपए कमाते हैं हम वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर हमारी लिस्ट में आते हैं एमी वे बंटाय। गाइस, एमी वे बंटाय प्रोफेशन से एक पॉपुलर यूट्यूबर और रैपर है। वो भारत के द बेस्ट रैपर में गिने जाते हैं। यूट्यूब पर इनकी पॉपुलरिटी इतनी ज्यादा है कि इनके सभी रैप ट्रेंडिंग में चलते हैं। अब देख लेते हैं एमी वे बंटाय के कार कलेक्शन की तरफ। तो एमी वे बंटाय के पास कार कलेक्शन में इनके पास जीप रैंगलर है, जिसकी प्राइस है 61 लाख रुपए। और सेकंड नंबर पर इनके पास है मर्सिडीज बेंज एस क्लास, जिसकी प्राइस है 1.62 करोड़ रुपए। एमी वे बंटाय की नेटवर्क की बात करें तो इनकी नेटवर्क 2023 के हिसाब से $6 मिलियन हो चुकी है, जो हमारे इंडियन रुपीज में 49 करोड़ रुपए होते हैं। और एमी वे बंटाय एक महीने का तकरीबन 10 लाख रुपए कमाते हैं। नंबर 2, यो हनी सिंह। गाइज, हनी सिंह एक मशहूर इंडियन रैपर, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर होने के साथ साथ एक्टर भी है। उन्होंने अपने गाने के अलग अंदाज से लाखों फैंस के दिल में अपनी जगह बनाई है। पहले हनी सिंह एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के तौर पर काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज में कई गाने गाए हैं। तो आइए जानते हैं मशहूर हनी सिंह के इनकम एंड नेटवर्क के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, हनी सिंह 1 मंथ का 3 करोड़ अप्रोक्स कमाते हैं, और हनी सिंह की नेटवर्क 2023 के अकॉर्डिंग 190 करोड़ रुपए हो चुकी है। और यही नहीं, यो हनी सिंह इंडिया के हाईएस्ट पेड सिंगर में से एक है। तो आप देख लेते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में कि इनके पास कौन सी एक्सपेंसिव कार है। मैं आपको बता दूं, हनी सिंह के कार कलेक्शन में नंबर 1 पर आती है रोल्स रॉयस पैंटम सीरीज 2, जिसकी प्राइस है 9.50 करोड़ रुपए। और नंबर 2 पर आती है ऑडी आरएस, जिसकी प्राइस है 2.80 करोड़ रुपए। और ऐसे ही यो हनी सिंह के पास नंबर 3 पर जैगुआर एक्सजेल, जिसकी प्राइस है 1.20 करोड़ रुपए। नंबर 4 पर इनके पास है पोर्शे कैन, जिसकी प्राइस है 1.70 करोड़ रुपए। और नंबर 5 पर यो हनी सिंह के पास है मर्सिडीज एस क्लास, जिसकी प्राइस है 1.65 करोड़ रुपए। अब हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं एमसी स्टैन। तो गाइस, जिसे आप एमसी स्टैन के नाम से जानते हैं, असल में उनका रियल नेम अल्ताफ शेख है, और ये प्रोफेशन से एक रैपर, सिंगर, सॉन्ग राइटर भी है। एमसी स्टैन का यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर आज के समय में 6.3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। एमसी स्टैन ने कहीं एक से बढ़कर एक रैप सॉन्ग दी है। एमसी स्टैन की फैन फॉलोइंग पहले भी बहुत थी, लेकिन उनके बिग बॉस 16 में विनर बनने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में बढ़ती जा रही है। तो गाइज, अब देख लेते हैं एमसी स्टैन की नेटवर्क एंड मंथली इनकम की तरफ। तो मैं आपको बता दूं, एमसी स्टैन के बहुत सारे इनकम सोर्स है, जहां से वो बढ़िया कमाई कर लेते हैं, जिनसे वो अपनी हर महंगे शौक को पूरा कर सके। एमसी स्टैन की नेटवर्क 2023 के अकॉर्डिंग $3 मिलियन हो चुकी है, और ये हमारे इंडियन रुपीज के हिसाब से 24,84,97,500 होते हैं। और इनकी मंथली इनकम एंड सैलरी 35 लाख अप्रोक्स होती है। और एमसी स्टैन के सोर्सेज ऑफ इनकम में यूट्यूब एंड स्टेज शो से भी ये बढ़िया कमाई कर लेते हैं। अब एक नजर हम डाल लेते हैं एमसी स्टैन के कार कलेक्शन की तरफ। तो इनके कार कलेक्शन में नंबर 1 पर आती है कैडिलैक एस्केलेड कार, जो दिखने में काफी लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव है, और इस कार की कीमत है 1.20 करोड़ रुपए। और नंबर 2 पर आती है मर्सिडीज मेबैक, जिसकी प्राइस है 3.80 करोड़ रुपीस। अब हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं बादशाह। गाइस, बादशाह इंडिया के जाने माने पंजाबी सिंगर कलाकार है। बादशाह ने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 से की थी। गाइस, इनका रियल नेम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है, एंड ये प्रोफेशन से रैपर, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर है। बादशाह इंडिया के एक ऐसे सिंगर है जो लाखों दिलों पर राज करते हैं। उनका फैन बेस भी काफी बड़ा है। वो जहाँ जहाँ इवेंट पर जाते हैं, उनके चाहने वालों की भीड़ वहाँ लाखों में जमा हो जाती है। बाय द वे, जरा अब ये देख लेते हैं कि बादशाह की मंथली इनकम एंड नेटवर्क कितनी है। मैं आपको बता दूं, बादशाह हैज अ टोटल नेटवर्क ऑफ $5 मिलियन इन 2023, जो इंडियन रुपीज में 41 करोड़ रुपए होते हैं। और बादशाह की मंथली इनकम 50 लाख अप्रोक्स होती है, और बादशाह पर सॉन्ग करने का 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब हम देख लेते हैं बादशाह के कार कलेक्शन की तरफ। तो इनके कार कलेक्शन में नंबर 1 पर आती है रोल्स रॉयस रेड, जिसकी प्राइस है 6.4 करोड़ रुपए। और नंबर 2 पर आती है लेम्बोर्गिनी ग्लाइडो, जिसकी प्राइस है 3.06 करोड़ रुपए। और नंबर 3 पर मर्सिडीज बेंज एस क्लास है, जिसकी प्राइस है 1.9 करोड़ रुपए। और नंबर 4 पर BMW 649D,
जिसकी प्राइस है 1.15 करोड़ रुपए, और नंबर 5 है पोर्सी कैमन 718 जिसकी प्राइस है 19 लाख रुपए, और नंबर 6 पर बादशाह के पास लिम्बोर्गिनी यूरस है जिसकी प्राइस है 3 करोड़ रुपए, और नंबर 7 पर ऑडी क्यूएट है जिसकी प्राइस है 1.23 करोड़ रुपए, और बादशाह के पास नंबर 8 पर है जीप रैंगलर जिसकी प्राइस है 60.35 लाख रुपए। तो फाइनली दोस्तों अब हमारी लिस्ट में नंबर लास्ट पर आते हैं रफ्तार। तो गाइस मशहूर रैपर रफ्तार का असली नाम दिली नायर है जो एक इंडियन फेमस रैपर है। ये भारत के द बेस्ट रैपर में से एक है। अगर हम बात करें इनकी इनकम और नेटवर्क की तो 2023 में रफ्तार की नेटवर्क $10 मिलियन हो चुकी है जो हमारे इंडियन रुपीज में 81 करोड़ रुपए होते हैं, और रफ्तार की मंथली इनकम 45 लाख रुपए तक होती है, और रफ्तार पर सॉन्ग करने का 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और इनका इनकम सोर्स लाइव शो, एल्बम सेल, टीवी शो, ब्रांड एंडोर्समेंट एंड इंस्टाग्राम है। तो अब देख लेते हैं रफ्तार के कार कलेक्शन की तरफ। तो रफ्तार के पास 2 एक्सपेंसिव कार्स है जिसमें से नंबर 1 पर आती है ऑडी Q3 जिसकी प्राइस है 40 लाख रुपए, और नंबर 2 पर मर्सिडीज एस क्लास है जिसकी एक शोरूम प्राइस है 1.64 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। सबसे ज्यादा महंगी कार हनी सिंह ने रखी है। हनी सिंह ने रखी है, बादशाह ने बहुत ज्यादा रखी है, उनके पास तो महंगी भी है लेकिन बादशाह की भी एक्सपेंसिव ही है, सस्ती नहीं है उनकी। मुझे हनी सिंह की ज्यादा लगी है, 9.5 करोड़ की भी एक कार उनके पास है ना, तो इसलिए उनकी तो बहुत ही कोई अलग कलेक्शन होगी कार के मामले में। जबरदस्त वीडियो तो बड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। एमसी स्टेन के भी फैंस हमारे चैनल पे बहुत ज्यादा है, फिर इमेबी के बहुत ज्यादा है, तो बादशाह की फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम वीडियो हम लोग कर रहे हैं। तो जी आपको कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ कमेंट अच्छा सा कर दें। इसके अलावा भी अगर कोई आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी आपने ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा आपकी कार कौन सी वाली फेवरेट है आपने उसका भी लाजमी इन सब में जो जिस चीज में जो जो कार रखी है उनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है ज़रूर ये बताना, और आप किसके बहुत बड़े फ़ैन हैं 5-6 में से इसका भी कमेंट ज़रूर करना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम के आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी जाके हमें जरूर फॉलो करिएगा। कोई और रिक्वेस्ट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर भी रिएक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। यस, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना बहुत ज्यादा ख्याल। बाय बाय।